हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फेम एंड फॉर्चून। ये आज के टाइम पे सभी को फेम एंड फॉर्चून दोनों ही चाहिए होते हैं, तो इसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ चेंजेस करके जो है आप अपने जीवन के अंदर फेम भी पा सकते हैं एंड फॉर्चून भी पा सकते हैं। सो हाउ टू गेट वेल्थ एंड फेम, इंपॉर्टेंट टिप्स टू बिकम रिच एंड फेमस। तो मैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ रिच एंड फेमस बनने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो है एंड तक इसको जरूर देखिए, क्योंकि हर एक स्लाइड के मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं जो कि आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मटेरियलिस्टिक नंबर 1, 3, 5, 6, इसका मतलब है कि जैसे आपको पता कि 1 to 9 तक नंबर होते हैं, सो इसमें से जो 1, 3, 5, 6 स्पेसिफिक ये नंबर जो है ये मटेरियलिस्टिक नंबर है। ऐसा क्यों है, जैसा मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि 1 इज़ फॉर सन, सन को रिप्रेजेंट करता है। सन का मतलब होता है क्रिएटिव, गवर्नमेंट, लीडरशिप, इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो ये सन जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं बात करूँ 3 की बात करूँ तो वो करता है जुपिटर को। तो जुपिटर होता है विजडम, वेल्थ, बैंक बैलेंस। फिर मैं बात करता हूँ 5 नंबर की, वो होता है मरकरी का। मरकरी आपको पता ही है फास्टेस्ट प्लैनेट है, जो रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, बिजनेस सेंस। और जो 6 नंबर है वो है वीनस का, जिसको हम बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करता है लग्जरी, फ्रेंडशिप, फॉरेन को। तो ये जो नंबर हैं 1, 3, 5, 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आज के हमारे लाइफस्टाइल के लिए। हमें अगर फेम चाहिए या हमें फॉर्चून चाहिए तो ये नंबर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने इसमें लिखा हुआ कि 1 के लिए अगर आप मतलब कोई नंबर आप लेट्स से आपके नेम नंबर की बात करता हूँ, तो प्रेफर्ड नंबर जो आने चाहिए वो या तो टोटल नंबर आपका नेम का 1, 10, 1937, ये अगर हम 1 की बात करते हैं। अगर 3 की बात करते हैं तो प्रेफर्ड नंबर्स हैं 3, 21, 30, 66। इसके अलावा और भी नंबर है बट मैंने कुछ 3-4 नंबर इसमें शो किए हैं। फिर है 5 नंबर की बात करते हैं तो प्रेफर्ड नंबर हैं 5, 23, 32, 41। 6 नंबर की बात करें तो प्रेफर्ड नंबर हैं 6, 24, 33, 42। मतलब ये जो है काफ़ी मतलब कि ये स्ट्रांग नंबर हैं मतलब, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें नीचे दिखाया हुआ है कि 9 नंबर जो लिखा हुआ है रेड से अलग से दिखाया हुआ है, तो 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है इनके अलावा। तो वैसे तो मटेरियलिस्टिक नंबर तो ये 1, 3, 5, 6 ही हैं, बट 9 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको देखेंगे कि 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से या 2 से या 3 से या 4 से तो उसका टोटल 9 ही आएगा। और अगर आप इसमें ऐड करते हैं 9 + 1 तो वो 1 ही आएगा, 9 + 2 करेंगे तो वो 2 आएगा, 9 + 3। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है और ये बेसिकली मार्स जो है वो फेम और करेज को दिखाता है। तो पहले 4 नंबर जो हैं 1, 3, 5, 6 तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट अगर 5th नंबर की इससे नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ लक्की नंबर्स फॉर वेल्थ। लक्की नंबर जैसे कि मैंने इसमें शो किया कि जो लोग बॉर्न हैं 1st, 10th, 19th या 28th के, तो उनका जो टोटल नेम नंबर है, नेम नंबर का मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है जिसका मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, तो अगर आपको अपना नाम का कैलकुलेशन करना है तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि जो भी 1st, 10th, 19th या 20th के बॉर्न हैं तो उनका टोटल नेम नंबर जो उनको सूट करता है मतलब लक्की फॉर वेल्थ एंड फेम के लिए, तो वो है 1, 3, 5, 6 जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ऐसे ही अगर हम जो लोग 2nd, 11th, 20th या 29th को बॉर्न है तो उनके लिए जो नेम नंबर सूट करता है वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लक्की नंबर है वो है इनका 1, 2, 3, 5, 6, 7। सो इसे मैंने 2 और 7 भी लिया क्योंकि 2 क्योंकि वो खुद उसके बॉर्न है और 2 और 7 के अंदर सिमिलैरिटीज है। अदरवाइज आप देखेंगे 1, 3, 5, 6 जैसे आप नीचे भी देखेंगे तो सब में ऑलमोस्ट कॉमन है। 1, 3, 5, 6 तो हमें
मतलब ये इम्पोर्टेंट है ही है। और सेकंड के लिए हमने जो सेकंड 11th 20th 29th के बॉर्न है उनके लिए मैंने 207 और एक्स्ट्रा नंबर बताया है जो इनके लिए लकी हो सकता है। नेक्स्ट बॉर्न जो 3rd 12th 21st या 30th के बॉर्न है उनके लिए अगेन 1, 3, 5, 6 एंड 9 3, 6, 9 तो उनकी फैमिली नंबर्स ही हैं तो वो तो मैंने इसमें ले लिया है, बट 1, 3, 5, 6 अगेन यहाँ भी कॉमन आ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना कि जो टोटल नंबर आए आपका नेम नंबर वो इन पे ही आए अगर वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट नंबर है 4th, 13th, 22nd, 31st जो बॉर्न है उनके लिए 1, 5 एंड 6 दो नंबर हैं, एक तो जो फोर्थ जिनका भी टोटल जो आ रहा है बॉर्न का फोर्थ आ रहा है या एट्थ आ रहा है तो वो उनके लिए जो अपना नंबर है वो इम्पोर्टेंट मतलब नहीं होता है। जैसे 4th, 13th, 22nd और 31st के लिए इसमें 1, 5, 6 लिया है, इनके लिए फोर्थ अपना जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट मतलब इनके लिए लकी नहीं होता है तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो लोग 5th, 14th या 23rd बॉर्न हैं उनके लिए अगेन 1, 3, 5, 6 ये नंबर इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये लकी नंबर है फॉर वेल्थ। आगे 6th, 15th, 24th के जो बॉर्न है उनके लिए 1, 3, 5, 6 एंड 9 3, 6, 9 जैसे मैंने बोला फैमिली है तो वो तो इसमें आएगा ही आएगा, प्लस जो 1, 3, 5, 6 जो कॉमन है वो सब में आपने देखा आ ही रहे हैं कॉमन है। नेक्स्ट नंबर है 7th, 16th या 25th बॉर्न है उनके लिए 1, 2, 5, 6 एंड 7 ये इम्पोर्टेंट नंबर है फॉर लकी नंबर है फॉर वेल्थ। जो 8th, 17th, 26th बॉर्न है इनके लिए 1, 3, 5, 6 जैसे मैंने कहा ना फोर्थ के लिए जो फोर्थ बॉर्न है उनके लिए फोर नंबर लकी नहीं है, ऐसे जो 8th नंबर वाले बॉर्न है 8, 17, 26 इनके लिए 8 नंबर लकी नहीं है तो इनको ये नंबर 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए। साथ में जो 6 नंबर मैंने लिखा है इसमें अवॉइड 15 मतलब 15 से जो ये 6 नंबर आया वो अवॉइड करना है, अदरवाइज 6 नंबर कैसे भी आए 24 से आए 33 से आए वो उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नंबर है 9th, 18th, 27th जो बॉर्न है उनके लिए 3, 6, 9 ये एक फैमिली नंबर है वो इनके लिए लकी है फॉर द वेल्थ पर्पस। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कार रजिस्ट्रेशन नंबर, तो काफी लोग जो कार खरीदते हैं तो वो मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या लकी नंबर है, मतलब लकी नंबर ये तो कॉमन सबके लिए हैं, प्रेफर्ड नंबर जो है 1, 3, 5, 6 जो इनका टोटल आना चाहिए किसी भी गाड़ी का नंबर जो है वो 1, 3, 5, 6 पे आना चाहिए क्योंकि ये काफी लकी नंबर है फॉर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सेकंड प्रेफरेंस है वो है 9 नंबर, जैसे हमने कहा 9 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि फेम और करेज के लिए होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है 1, 3 एंड 5 एंड 6 को और जो सेकेंड प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हो 9 नंबर को टोटल, मतलब ये टोटल की बात कर रहा हूँ, जैसे किसी का भी टोटल नंबर जो है लेट्स से 5, 3, 9, 4 है तो उसको अब ऐड करके जो टोटल आएगा वो टोटल नंबर जो है 1, 3, 5, 6 पे आना चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस है 9 नंबर। अवॉइड 4 एंड 8 क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु का होता है और 8 नंबर होता है सैटर्न का, तो ये हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड करने चाहिए। तो ये सभी डेट्स के लिए चाहे 1, 2, 3, 4, 5 जिनके भी 1 to 9 इनके भी डेट्स आती हैं उन सभी के लिए 4 एंड 8 जो है इनको अवॉइड करना है। बेस्ट कलर्स की बात करें तो वो हैं कार की बात करें वो वाइट, ब्लू, येलो, सिल्वर, लाइट कलर, इन कलर्स की जो है हमें गाड़ी लेनी चाहिए। और अगेन अवॉइड ब्लैक, रेड, ब्राउन एंड ग्रे, इनको जो है जितना हो सके अवॉइड करें। ब्लैक को सैटर्न का कलर है, रेड जो है मार्स का कलर है, ब्राउन राहु का, ग्रे जो है केतु, तो ये इनको हमें अवॉइड करना है। सो अगर आप ये जो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगेन मोबाइल नंबर टोटल, मोबाइल नंबर आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि हमारे लिए जो है ओवरऑल सब चीज़ें मोबाइल के अंदर ही आ गई हैं, चाहे हमारा बैंक अकाउंट है, चाहे कुछ भी है, मतलब चाहे बिजनेस की बात करें, हम हर चीज़ जो है डिपेंडेंट होंगे मोबाइल के ऊपर। तो एक तरह से हमारे लिए वो बिजनेस का काम भी कर रहा है, हमारे घर का काम भी कर रहा है, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन हमारे बैंक्स के भी वही हम उसी को यूज़ कर रहे हैं या और भी सर्विसेज के लिए ऑनलाइन सर्विस हम यूज़ करते हैं, तो ये मोबाइल एक तरह से हमारा
मतलब कि बिजनेस का ही पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर भी जो है वो टोटल लेके आना है 1356 पे। तो अगर आपके ऑलरेडी नंबर है जिसका ये नंबर नहीं आ रहा है तो आप जो है कोई नया नंबर लेते हैं तो उसको ये ध्यान रखें कि इसका टोटल जो है वो 1356 पे आना चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी लकी हो जाएगा फॉर वेल्थ एंड फेम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लास्ट 2 और 3 डिजिट नंबर है ना मोबाइल के, जो लास्ट नंबर्स होते हैं, या तो मतलब लास्ट 2 नंबर्स या लास्ट 3 नंबर्स, वो आप देखें कि या तो 11 आए या फिर 111 आए लास्ट में, तो ये और मतलब आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो अलग बात है, बट अगर कोशिश करें कि 111 या 111 आप लेके आए, या 333 या 333 लेके आए, या फिर 555 या 555, या फिर 666 या 666, और जैसे मैंने कहा 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, तो 999 भी आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप ये नंबर्स लेते हैं तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो अगर आपका आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आपके उसके अंदर सक्सेस के रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं हाउस नंबर की। तो अगेन सेम रूल है, जैसे आपका जो हाउस नंबर है, सेक्टर नंबर, सेक्टर है या गली नंबर या फ्लोर नंबर है, उसमें जो है टोटल जो है वो 1356 आपको देखना है, वो आना चाहिए। आपने ऑलरेडी कहीं रह रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो वो आपको जो नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आप जरूर ध्यान रखें कि जो नंबर्स हैं वो 1356 पे हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड ऑप्शन जैसे मैंने कहा था 9 नंबर, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। नेवर बाय हाउस टोटल 4 एंड 8, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है और 8 नंबर सैटर्न का होता है, तो इन नंबर्स को आपको अवॉइड करना है। इफ बाइंग अ फ्लैट और फ्लोर, इट शुड नॉट बी ऑन 4th, 13th, 22nd, इस फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका टोटल भी फिर 4 आएगा, या फिर 8th, 17th, 26th। तो जहां भी 4 है टोटल, 4 या 8 टोटल आ रहा है, उस फ्लोर को भी आपको अवॉइड करना अगर आप फ्लैट या फ्लोर ले रहे हैं। तो ये आपको जो है ये बहुत ध्यान रखना है चीज़ों का ना, तो क्योंकि बाद में जाके इतना पैसा आप खर्च रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो आपको फिर बाद में जाके दिक्कत आए, तो पहले ही जो है इसके अंदर आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। और इसकी जो फेसिंग है वो जो सबसे बेस्ट फेसिंग है वो नॉर्थ या ईस्ट मानी गई है, तो नेचुरली सब्जेक्ट टू वास्तु कंप्लायंस, ये नहीं कि आपने नॉर्थ फेसिंग लिया या ईस्ट फेसिंग लिया बट उसमें वास्तु दोष है, मतलब कोई मान लो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाथरूम है या नो टॉयलेट है, तो वो सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी, सब्जेक्ट टू वास्तु कंप्लायंस। बट सबसे प्रेफरेबल जो लोकेशन है वो नॉर्थ एंड ईस्ट है, क्योंकि नॉर्थ होती है बिजनेस एंड वेल्थ के लिए, और ईस्ट होती है मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्कॉलर्स के लिए, आईएएस के लिए, फेम के लिए, तो ये जो है हमें प्रेफरेंस ये देना है। साउथ को हो सके तो साउथ को अवॉइड करना है, साउथ फेसिंग को। ये थोड़ी सी मैंने दो टिप्स भी दी हैं फॉर गेटिंग फेम। इसके लिए क्या करना है आपको, फॉर बिकमिंग फेमस पुट अ फोटो ऑफ सनराइज ऑन ईस्ट वॉल ऑफ योर हाउस। तो ईस्ट वॉल जो आप देखने कहाँ पर आपके घर पे है उसके अंदर जो है आप सनराइज की फोटो लगाएंगे, तो ये आपको एक फेम देने का काम करेगी। और सेकंड है आपका पुट अ फोटो ऑफ 7 रनिंग हॉर्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन साउथ वॉल नियर एंट्रेंस, मतलब नियर एंट्रेंस पे आप इसको साउथ वॉल पे ये 7 घोड़े जो हैं डिफरेंट कलर्स के हों वो आप लगाएंगे फोटो, और साथ में उनका ये हो कि वो बाहर की तरफ, जैसे आपका एंट्रेंस डोर से बाहर की तरफ उनका फेसिंग हो कि बाहर निकल रहे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू गेट फेम। तो ये दो टिप्स मैंने आपको इसमें दी हैं। सिग्नेचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जैसे मैंने इसमें शो किया हुआ कि सिग्नेचर जो है वो अपवर्ड, मतलब टूवर्ड्स अपवर्ड होना चाहिए, जिसमें मैंने लिखा सिग्नेचर शुड बी अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि नीचे स्टार्ट करके ऊपर तक आपको सिग्नेचर करने और उसके नीचे एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है सिग्नेचर के नीचे। और इसमें भी आपको ध्यान रखना कि जो आपका नाम का टोटल आ रहा है, लेट्स से अगर आपका फर्स्ट नेम का टोटल अगर 1356 पे आ रहा है तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट नेम को ही यूज़ करें साइन के लिए। अदरवाइज अगर टोटल अगर आपका मतलब कि पूरे नाम का टोटल अगर 1356 पे आ रहा है तो वो टोटल नाम यूज़ करना है पूरा, अदरवाइज अगर फर्स्ट नेम का आ रहा है तो फर्स्ट नेम यूज़ करना है। तो ये आपको सिग्नेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और
ठीक है, तो ये मैंने आपको सिग्नेचर की टिप दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक अकाउंट नंबर की। तो बैंक अकाउंट के लिए भी आपको, क्योंकि आपके ऑलरेडी नंबर होंगे तो आपके मान लो 2-3 अकाउंट हैं, तो आप ये चेक करो कि कौन से अकाउंट का टोटल नंबर जो है बैंक अकाउंट का वो 1356 टोटल पे आ रहा है। तो वो आपका जो है वेल्थ को बढ़ाने का काम करेगा। तो आपका जो भी सेविंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो वो आपको वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस बैंक को यूज़ करना ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हैं तो तब भी ध्यान रखें कि जो है इस टोटल जो है आपका 1356 पे ही आए, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 9 नंबर का आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे लगता है कि अवॉइड 400, तो जो आपका मान लो किसी बैंक अकाउंट का टोटल नंबर 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो वो आपको इसको उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अवॉइड करें, और जिसमें आपका जो 1356 आ रहा है टोटल, उसको आप यूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल उसको यूज़ करें, ठीक है। या आप नया अकाउंट खोलते हैं तो भी आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। बात करता हूँ बिजनेस हाउस की। जैसे बिजनेस हाउस के अंदर आपके ऑफिस, शॉप्स या शोरूम आते हैं, तो ये भी आपको अगेन ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफिस कोई परचेज कर रहे हैं या आप रेंट पे भी ले रहे हैं ऑफिस, तो वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या सिक्स फ्लोर पे हो, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं या जो फ्लोर हैं, ये आपको बेनिफिट देंगे वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने शुरुआत में कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन है अगेन 9th फ्लोर, वो भी चल सकता है। अवॉइड करना है 4th एंड 8th फ्लोर, ये आपको बिल्कुल ही मतलब इसको क्रॉस कर देना है 4th और 8th को, क्योंकि इससे आपको वेल्थ नहीं, इसमें आपको परेशानी ज़्यादा आएगी। ऑल्सो बिजनेस एड्रेस टोटल कम टू, मतलब एक तो फ्लोर की बात की है, और जो इनका मतलब आपका एड्रेस जो भी है उसका भी ध्यान रखें कि टोटल जो है एड्रेस का वो भी जुड़कर 1356 पे आए, और इसका भी टोटल अवॉइड करना है। टोटल अगर 4 या 8 पे आ रहा है तो वो भी आपको नंबर जो है बिजनेस एड्रेस का वो अवॉइड करना है, मतलब कोई और डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं आप। और एक जो है इसका लोगो डिजाइनिंग और कलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो नेचुरली आपको इसके लिए एक किसी प्रॉपर यू नो न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो वो लोगो डिज़ाइन भी आप जब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो, या आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो लोगो का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और कौन से कलर आपको यूज़ करने हैं अपने बिजनेस के लोगों के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स शुड ऑल्सो बी डिजाइन इन प्रॉपर मैनर, तो वो भी सेम रूल है जैसे लोगों की बात की मैंने, ऐसे विजिटिंग कार्ड के अंदर भी क्या कलर रखने हैं, कहाँ नाम होना चाहिए, कहाँ पर फ़ोन नंबर होना चाहिए, है ना, कहाँ एड्रेस होना, तो वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर कैसे इसको डिज़ाइन करना है, वो भी आपको नेचुरली एडवाइस लेके ही करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं बाद में जाके। तो और दूसरा जैसे कि आप प्रॉपर्टी मान लो बिजनेस या कुछ भी खोल रहे हैं, बिजनेस वगैरह, तो ऑफिस खोल रहे हैं या शोरूम खोल रहे हैं, उसका फेसिंग जो है वो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, ठीक है, शॉप्स और शोरूम के लिए। तो वो आपको अवॉइड करनी है साउथ डायरेक्शन। सो जो भी आप फेसिंग ले रहे हैं, ईस्ट ले रहे हैं, नॉर्थ ले रहे हैं, तो अगेन इट शुड बी डिज़ाइन एज पर वास्तु। तो वास्तु के लिए भी जो है वास्तु एक्सपर्ट से एडवाइस लेके कि कहाँ पर रिसेप्शन होनी चाहिए, कहाँ पर यू नो वो सब कुछ, कहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ पर मीटिंग रूम होना चाहिए, कहाँ अकाउंट्स का सेक्शन होना चाहिए, कहाँ, तो वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली एडवाइस लेके तब ही इसको करना होगी। आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे आप मतलब मैंने आपको बताया एडवाइस किया, अब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं या ऑफिस खरीद रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ आपका करोड़ों रुपया लग रहा है एक मकान खरीदने के लिए, या फॉर एग्जांपल मतलब गाड़ी भी खरीदें तो लाखों रुपया या करोड़ों रुपया आपका लग रहा है। तो उससे बेटर है कि आप पहले अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेके, और नंबर्स के बारे में और उसके क्या कहते हैं लोगों के बारे में, आपके विजिटिंग कार्ड के बारे में पूरा प्रॉपरली इसकी नॉलेज लेके, और यू नो वास्तु कैसे करना है, मतलब कहाँ क्या करना है, तो वो उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ इतना करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, तो आप थोड़ा सी एडवाइस लेके पहले एडवाइस लीजिए, उसके बाद जो है उसको आप स्टार्ट कीजिए। तो ये मेरा आपको वो एडवाइस है। अब इसके अलावा जैसे हम कोई डेट्स या नंबर फॉर अदर इंपॉर्टेंट ब्लॉक, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट पे किया जाए, है ना, कौन सी डेट सूट करती है, तो वो भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गाड़ी कार बाय कर रहे हैं तो कौन सी डेट पे जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर कौन सा कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगेन डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
एंटरिंग योर हाउस, कोई अपने प्रॉपर्टी के डेट्स में आप एंटर कर रहे हैं, तो वो सारी डेट्स जो हैं कौन सी होनी चाहिए, क्या कब होनी चाहिए, वो सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ज्वाइनिंग एनी जॉब, यूजिंग एनी पासवर्ड, तो उसके अंदर भी टोटल नंबर क्या आना चाहिए पासवर्ड का, या ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ईमेल आईडी में क्या क्या नो टोटल कितना आता है, तो वो सब चीज़ें, ये छोटी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको मैंने ऑलमोस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोबाइल नंबर, यू नो, सबका आपको मैंने पूरा एक एडवाइस दिया है। तो आई थिंक ये आपके काफ़ी काम आने वाला है, और आप ये जो जो भी टिप्स हैं इसको आपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है पास, फेम और फॉर्चून दोनों आएंगी, तो ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आई थिंक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ आपको टाइम टू टाइम आपको